Dear learners, welcome to the MOOC course of pharmacology 2 subject code BP503T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, associate professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, today we are going to discuss about the different pituitary hormones and their antagonist. So, this is the uh, first lecture of this uh, uh, presentation. So, what are the learning objectives? Uh, at the end of this uh, lecture, the learners will be able to understand the various releasing and the inhibitory hormone from the hypothalamus and their correlation with the pituitary gland. They are able to explore the physiological, pathophysiological aspects of the growth hormone, prolactin, and the gonadotropins, and uh, they are also able to analyze the pharmacologic.

जो हमारे रिक्वायर्ड ग्रोथ है उसको अटेनमेंट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड है दैट इज ग्रोथ हार्मोन नाउ इट आल्सो प्रमोट्स द बोन ग्रोथ ठीक है बिकॉज ये बिना बोन ग्रोथ के आपकी बॉडी का जो आ, या आपका जो हाइट है या आपकी बॉडी का जो फिजिक है वो ऐसे नहीं चेंज होगा ठीक है ना तो इट स्टमुलेट्स द बोन ग्रोथ एज वेल एज द हाइपरपेल्सिया ऑफ सर्टन ऑर्गन्स ठीक है ना ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन इसको आप ध्यान रखना ब्रेन और आई का ग्रोथ जो है वो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल नहीं करता है ठीक है ना इन एब्सेंस ऑफ गनेडोट्रॉपिन द सेक्चुअल मैचुरेशन डज नॉट टेक प्लेस द ग्रोथ हार्मोन आल्सो प्रमोट द रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन कैल्शियम एंड द मोर प्रोटोप्लाजम एंड ड्यू टू दिस द प्रोटीन सिंथेसिस इज आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है ना?

हार्मोन विच वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट इज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ठीक है नाउ हाउ द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मो ठीक है तो ग्रोथ हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय टू टाइप ऑफ हार्मोन विच वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर द फर्स्ट वन इज नोन एज द रिलीजिंग हार्मोन ठीक है यानी कि वो हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन को स्टिम्युलेट करेगा दिस इज द हार्मोन विथ सीक्रेट्स फ्रॉम द है ऑल्सो नोन एज द सोमैटो ट्रॉपिन ठीक है ना नाउ अब व्हाट जीएचआरएच कैन डू इफ इट इज गिवन आईवी ठीक है ना सो जीएचआरएच एज द सिक्रिएशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंस्टेंटली ठीक है अगर आपने आईवी रूट से दिया तो ये सोमैटो को स्टमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस में और लेटर ऑन दिस विल रिलीज द व्हाट ग्रोथ हॉर्मोन ठीक है ओके ना सरमोरेली इज द सिंथेटिक एनल ऑफ जीएचआर एच दे आर वेरी कॉमनली यूज एज द डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर टेस्टिंग द कैपेसिटी ऑफ pituitary gland in the uh, uh, patient of dwarfism or the uh, short stature. Okay, nah? Now, growth hormone, releasing inhibitory hormone is the second hormone which is secreted by the hypothalamus which is also known as the somatostatin or SST. Okay? What it can do? It can inhibit the secretion of growth hormone TSH, okay? insulin from the pancreas and gastrin from the GIT. Okay? They are also known as somatostatin. They have a short half-life. They have a lack of specificity and they only uh, you can say not only inhibit the uh, growth hormone secretion but they can also regulate the secretion of TSH, insulin, and gastrin. And this is the lack of specificity. Now, somatostatin is generally used uh, for prevention of bleeding from the uh, especially the patient of esophageal varices uh, and uh, the upper GI and the intestinal bleeding. Now, this is the diagram which depicts the regulation of the growth hormone. Now, this is the hormone uh, hypothalamus. Hypothalamus stimulate the uh, you can say pituitary gland anterior pituitary gland by the help of two of uh, two type of hormone either GHRH or जी एच आर आई एच ठीक है ना ठीक है तो अब आप देखो प्यूटरी ग्लैंड को इसने स्टूमुलेट किया बाय जी एच आर एच तो इसके स्टूमुलेट करने की वजह से क्या हुआ प्यूटूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकला और इस ग्रोथ हार्मोन ने बहुत सारे फंक्शंस को स्टूमुलेट किया सच एज उसने एडिपोसाइट्स को स्टूमुलेट किया उसने लीवर को स्टमुलेट किया लीवर के स्टूमुलेशन की वजह से इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर जो है वो स्टमुलेट होगा जिसकी वजह से एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ने लग जाएंगे ठीक है ना बट जी का क्या काम है जैसे ही आई एक सर्टन लेवल से ज्यादा होता है लिमिट से बढ़ने लगता है तो दिस विल एक्ट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्ट बाय नेगेटिव मैकेजमैक मैकेबिट द हाइपोथेलिस हेल्प ऑफ जी एच आर आई एच ठीक है और सोमैटोस्टेटिन ठीक है ना नाउ जनरली हार्मोन विच इज नोन एज ग्रेलिन और हंगर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको बहुत सारे लोग ग्रेलिन एक हार्मोन है विच इज रेगुलेटिंग द हंगर ठीक है एंड इफ Ghrelin is secreting more, it means it indicates the hypoglycemia in the particular person. Okay? If hypoglycemia was there, the ghrelin hormone is secreted from the stomach and this will stimulate the hypothalamus or GHRH and this will lead to the secretion of GH. Okay? So, this is the mechanism by which uh, growth hormone regulation was seen. Now, what are the pathological role of the growth hormone? Now, this is the diagram which you can say. की कंपरेटिव uh, डायग्राम है ठीक है नाउ हेयर यू कैन सी दिस इज दिस इज अ चिल्ड्रन हु हैव अ शॉर्ट स्टैचर दिस इज अ पर्सन और दिस इज अ चाइल्ड हु हैव अ यू कैन से नॉर्मल स्टैचर वेयर एज दिस वन हैविंग अ यू कैन से वेरी लॉन्ग स्टैचर ठीक है ना ठीक है तो अब दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन इज हाइपरसिक्रीटेड इट मीन्स इट विल लीड टू द टू टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आइदर जैजेंटिज्म एक्रोमेगैली ठीक है ना वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू जैजेंटिज्म इज अ डिजीज डिसऑर्डर विच इज जनरली सीन बिफोर द प्यूबर्टी यानी इट मीन्स अठारह साल के पहले एटीन ईयर्स बिफोर द एटीन ईयर्स ऑफ द एज दिस पर्टिक्युलर डिसऑर्डर वॉज सीन इन द चिल्ड्रंस एंड वेयर हैज एक्रोमेगैली इज द डिजीज विच इज सीन इन द एडल्ट आफ्टर एटीन ईयर ऑफ एज ठीक है ना एक्रोमेगैली का अगर इफ यू कैन आस्क मी अग्जाम्पल ऑफ एक्रोमेगैली पेशेंट द रेस्लर खली यू हर्ड द नेम ठीक है तो खाली वॉ सफरिंग फ्रॉम एकगैली ठीक है ना अब यू कैन सी वॉट इज द डिफरेंस जेजेंटिज्म में हाइट बढ़ेगा ठीक है बट वॉट इज हैपनिंग इन द ए्रोमैगैली एक्रोमेगैली में जनरली जो ये आपका आ, ये प्रोट्यूडेड होने लग जाता आपका जो चिन है वो प्रोट्यूडेड होने लगता है यहाँ पर आप देखो ये प्रोट्यूडमेंट होने लगा ठीक है आवाज़ की स्लरिंग होने लगती है आप ठीक से बोल नहीं पाते हो आपके टंग की जो आ, जो डायमेंशनस uh, हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं डायमीटर ज़्यादा हो जाता है उसके थिकनेस ज्यादा हो जाती है इसके वजह से स्लरिंग होने लगती है ठीक है ना तो दिस इज द प्रॉब्लम वेयर एज हाइपोसिक्रीशन ऑफ जी एच विल लीड टू द डॉर्फिज्म हाँ शॉर्ट स्टेचर ऑफ द पर्सन इज नोन एज व डोफिजम ठीक है नाउ वॉट टाइप ऑफ ड्रग्स वी कैन यूज टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम्स ठीक है तो ऑक्टीरॉयड इज द हॉर्मोन जी एच एंटागोनिस्ट एंड this drug is very uh, you can say prominently affect the secretion of GH. What it can do? It can inhibit the uh, growth hormone secretion, okay? it is very uh, potent as well as the long acting GH antagonist, okay? somatostatin ke 45 times jyada more potent higher. Okay? What it can do? Uh, it can uh, control the symptom of patient of the gastrinoma, okay? VIP secreting tumor and the breast cancer. Now,

वॉट आर द दाइड इफेक्ट एबडोम क्रैप्स नोजिया एंड गॉल स्टोन आर द वेरी कॉमन साइड इफेक्ट्स ठीक है तो अब हम बात करें दूसरे एंटागुनिस्ट की तो इस इस दिस इज द पैगमिसोमेंट ठीक है इट इज गिवन बाय द सबकिटेनियस इंजेक्शन एंड दे आर वेरी कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एग्रोमेगैली अप्रूव ड्रग फॉर द एग्रोमेगैली इट वॉट इट कैन डू इट competitively bind with the gh receptor and by binding with that it inhibits the level of igf. Insulin like growth now the next one is the prolactin. it is 191, uh, 199 amino acid uh, um, protein. 23000 is the molecular weight. they are chemically similar to the growth hormone and causes the milk secretion from the crop gland of the pigeon. and later on the. स ठीक है वॉट आर द फिजोलॉजिकल फंक्शन तो जनरली प्राइमरी स्टमस इज विथ द कंजक्शन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन एंड सेवरल अदर हॉर्मोन्स विच लीड टू द ग्रोथ एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट जो है वो जनरली इसके साथ देखने को मिलता है प्रमोट्स प्रोलिफरशन ऑफ डक्टर एज वेल एज द एसिनार सेल्स इन द मेमरी ग्लैंड they also suppresses the hypothalamo and hypophyseal uh, pituitary gonadal axis and this will lead to the इनिबिशन ऑफ जी एनआरएस रिलीज ठीक है गोनेडोट्रॉपिन रिलीज ठीक है हाई लेवल ऑफ प्रोलेक्टीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेक्टेशन एमेनोरिया ठीक है दिस इज द डिजीज विच इज जनरली सीन इन द फीमेल हु आर लेक्टेटिंग ठीक है ना एंड एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ द मैं साइकिल दे ऑल्सो इनिबिट द ऑबुलेशन इन फर्टिलिटी इन सम लेडीज ठीक है सम फीमेल्स ठीक है प्रोलेक्टीन एक्ट्स ऑन द रिसेप्टर विच give its effect by the JAK-STAT uh, pathway. Okay. What it can do? The prolactin receptor is expressed on the surface of target cell, where uh, the G uh, prolactin PRL will get bind with that receptor and then they will stimulate the JAK. साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज और जैक स्टैट ठीक है ना और इसके स्टिमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो हैं दैट विल बी रेगुलेटेड ओके नाउ हाउ द रेगुलेशन ऑफ पीआरएल आर इज सीन ठीक है तो प्रोलैक्टिन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ठीक है ना यह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करते हैं बट देर इज एन हार्मोन ऑल्सो देयर विच इज नोन एज पी आर आई एच इनिबिटिंग सॉरी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनिबिटिंग हार्मोन ठीक है ना दिस इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस और ये क्या कर रहा है पीआरएच की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे रहा है ठीक है नाउ सम ड्रग्स आर आल्सो देयर विच कैन इनिबिट द और विच रेगुलेट्स नॉट इनिबिट यू कैन से रेगुलेट द लेवल ऑफ पी तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट लाइक डोपामिन ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कार्बेगोलिन दे डिक्रीजेज द प्लाज्मा प्रोडिलेक्टिन लेवल वेयर एज डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट ठीक है ना आर Which can stimulate or which can hypersecrete the प्रोलैक्टिन लेवल ठीक है ना हाइपर हाइपोसिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन देखने को मिलता है यानी अब आप इसको सिंपल में समझ लो कि एगोनिस्ट जो हैं वो प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करेंगे वेयर एज एंटागोनिस्ट जो हैं उसके लेवल को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे ठीक है तो इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है अगर ये दोनों का डिस्टर्बेंस हुआ तो आपको हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया या फिर हाइपो प्रोलैक्टिनेमिया देखने को मिल सकता है वॉट आर द फिजियोलॉजिकल एक्शन एसोसिएटेड विद द प्रोलैक्टिन तो जनरली इट इज हेल्पफुल इन इंड्यूसिंग द ग्रोथ एंड डिफ्रेंशियन ऑफ द मेमरी ग्लाइन ठीक है ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ एक्सेसिव प्रोलैक्टिन विल लीड टू द प्रोलेक्टिन प्रोलेक्टिन ओके विच जनरली सीन इन द यू कैन से एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्लास नाउ हाउ इट कैन हैपन इट इज जनरली बाय द एडिनोमा इन द प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग सेल्स ठीक है ना और वहां पर इसकी वजह से क्या होता है Uh, वहां पर जब एडुमा हो जाता है तो ट्यूमर की वजह से ज्यादा प्रोलैक्टिन निकलने लगता है ठीक है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन विल लीड टू द यू कैन से द इंटरफेयर विद द इनिबेटरी इफेक्ट ऑफ द डोपामिनर्जिक सेल्स ठीक है नाउ प्राइमरी हाइपोथरज्मीज टी आर एस लेवल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर प्रोलेक्टीन एमिया ठीक है अब अगर हम बात करें तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन causes the erectile dysfunction in the males whereas, hypersecretion or hyperprolactinemia in females can cause the galactorrhea as well as the absence of the menstruation cycle or infertility is also seen in the uh, females. Okay? Now, <coughs> what type of inhibitors which we can use uh, apart from the PRIH? Okay? The bromocriptine, uh, it is a uh, you can say D2 agonist what it can do? It is a semi-synthetic ergot alkaloid. It inhibits the spontaneous as well as the TRH induced prolactin level. What it can do? It can. अगर अगर टी आर एच की वजह से या फिर uh, हमारे को स्पॉन्टेनियस प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ रहा है हमारी बॉडी में तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रोमोक्रिप्टिन विच एक्ट्स बाय द डोपिन इनर्जिक रिसेप्टर्स ठीक है ना व्हाट इट कैन एक्ट द इट एक्ट्स ऑन द डी वन रिसेप्टर ठीक है ना वट इट कैन डू इट कैन नॉर्मलाइज द सीरम प्रोलैक्टिन लेवल इन द सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स एंड डिक्रीजेज द ट्यूमर साइड इन द फिफ्टी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम द एडिनोमा ओके नाउ वट आर द साइड इफेक्ट्स नोजिया वॉमिटिंग हेडेक एक पॉस्टोराजल हाइपरटेंशन नेजल जेशन साइकोसिस आर द कॉमन वन और वेरी मतलब यू कैन से नॉर्मली सीन इन द पेशेंट ठीक है ना यूज इन द दे आर ऑल्सो यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्रोमेगैली बट अगर हम बात करें तो हाई कंसेंट्रेशन में जब हम इसको यूज करेंगे तो दे ऑल्सो हैव द एंटी पार्कट नाउ पर है दिस इज द नेक्स्ट इनिबिटर ऑफ द प्रोलेक्टीन एफ डी अप्रूव्ड है एंड वेरी कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्किसन डिजीज एंड द हाइपर प्रोलेक्टी नाउ साइड इफेक्ट्स आर द सेम विद्रोमोक्रिप्टिन डोज जो है पॉइंट जीरो टू फाइव मिलीग्राम देना है इसको बेड टाइम पर एंड धीरे धीरे इसका डोज जो है पॉइंट फाइव मिलीग्राम तक हम बढ़ाते हैं कार्बाकोलिन इज ऑल्सो अर्गट अल्कोलाइड इट है वेरी हाई अफिनिटी एंड द ग्रेटर सेंसिटिविटी फॉर द डी टू रिसेप्टर इट इज वेरी इंपोर्टेंट अप्रॉक्स फोर टाइम्स ऑफ Uh, Bromocriptine and half-life is very long. That is around around 65 hours. up. now, now uh, this is a FD approved drug for the treatment of hyperprolactinemia and they have a very less tendency to cause the postural hypotension or the CNS uh, side effects ok. You know? gonadotropin are the next class of the um, hypothalamic hormones which uh, generally uh, regulate the secretion like fol follicle stimulating hormone or the luteinizing hormone ok. You know? These are the two gonadotropin hormones ok. You know? What they can do? They are basically a glycoproteins ok, these two hormones are glycoproteins and they consist of 23 to 28 percent of sugar. एंड टू पेप्टाइड चेन्स ठीक है यानी कि दे हैव अ टू पेप्टाइड चेन्स एंड ग्लैकोसाइडिक लिंकेज वॉज देयर ठीक है ना द अल्फा चैन इज कंप्रोमाइज्ड कंप्राइज ऑफ द नाइनटी टू अमीनो एसिड्स वेयर एज यू कैन से बीटा चेन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है be, मतलब अल्फ़ा चेन तो 92 टू अम्यो एसिड का रहेगा एफ और एल में ठीक है बट बीटा चेन जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एफ में वो ट्रिपल वन अमीनो एसिड का बन जाता है और एल में ये दस अमीनो एसिड थोड़ा और ज़्यादा जुड़ जाते हैं और वन ट्वेंटी एसिड का बन जाता है ना पैराडोक्सिकली द मोलिकुलर वेट ऑफ एफ इज़ अराउंड अराउंड थर्टी किलो डालटन एंड विच इज़ अ ग्रेटर द वेट ऑफ द ऑफ द

वेयर एज इन मेल्स इट्स सम्पोर्ट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि अब आप इसको समझ लो अच्छे से कि हमारी बॉडी में स्पेशली मेल्स में फलका स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करना और साथ साथ में हमारे बॉडी में जो सेमनीफरेस्ट टिब्यूल्स हैं उसके अंदर जो जो सिंथेसिस हो रहा है स्पॉम्स का या जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है उसको कंट्रोल करना ठीक है और ओवम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है फंक्शन ऑफ लिटोनाइजिंग हार्मोन तो इट इंड्यूसेज द प्री ऑबलेटरी स्वेलिंग ऑफ द राइपन ग्राफियन फॉलिकल द ग्राफियन फॉलिकल विच इज मेच्योर्ड इज राइपेंड बाय द एल एच ठीक है ना एंड ट्रिगर्स दवल्यूशन अब यहाँ ओवम तो बन गया था एफ एस एच के एफेक्ट में बट उसको रिलीज कराने की जिम्मेदारी किसके पास है ल्यूटेइजिंग हॉर्मोन की विच इज फॉलोड बाई द ल्यूटेनाइजेशन ऑफ द रपचर्ड फॉलिकल एंड सस्टेन द कॉर्पस ल्यूटियम टिल द नेक्स्ट मैं साइकिल दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रेसी ऑफ द रिमेनिंग फॉलिकल मतलब एंडोमैट्रीय की सफाई भी ये करते हैं ठीक है ना प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन अकर्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एच एच एल एच इसको आप ध्यान रखना कि एल एच के जो सिक्रीशन मतलब एलेज जो है वो प्रोजेस्टोरॉल के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है ठीक है ना मेल्स में एलेज जो है वो टेस्टोस्टिरोन के सिक्रेशन को मेंटेन करता है एंड इट विल हेल्प यू कैन से फॉर द इंटस्टिशल सेल स्टमुलेटिंग हॉर्मोन्स ठीक है एंड बाय दिस द लेवल ऑफ सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टिंग इज रेगुलेटेड नाउ डिस्टिंक्ट एल एच एज वेल एज एफ एस एच रिसेप्टर एक्सप्रेस ऑन द डिफरेंट टारगेट सेल्स ठीक है एंड दे जनरली एक्ट बाय द जी पी सी आर मैकेजम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और इसको जनरली सी एम पी पाथवे से ही हम कनेक्ट करेंगे नाउ वॉट इट कैन डू इट कैन स्टूमुलेट द गैमेटोजेनेसिस एल एज वेल एज इट कन्वर्ट्स द कोलेस्ट्रॉल इंटू द द टेस्टोस्टिरॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एंड द एस्ट्रोजन ठीक है यानी कि दो काम यहाँ कर रहा है वो क्या क्या एक तो ये हमारे गैमेटोजेनेसिस जो है उसको बढ़ा रहा है गैमिट्स के जनरेशन uh, uh, में हेल्प कर रहा है और साथ साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर रहा है और तीन तरह के ये नए हार्मोन्स बना रहा है जिसको हम कह देते हैं गोनेडल हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टिरन प्रोजेस्ट्रॉन एंड द एस्ट्रोजन ठीक है ना नाउ हाउ इट इज रेगुलेटेड तो जनरली आइपोथैलमस रिलीजेज द हार्मोन जी एन आर एच ठीक है दिस जी एन आर एच विल स्टमुलेट द एंटीरियर प्यूटरी ग्लैंड एंड दिस एंटीरियर प्यूटूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स टू टाइप ऑफ हार्मोन द फर्स्ट वन इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड द सेकंड वन इज द फॉलिकुलेटि फॉलिकुलर स्टमुलेटिंग हार्मोन नाउ वॉट इज द फंक्शन तो लिटेनाइजिंग हारमोन जो है जनरली वो अपना एक्शन देता है लेडीस सेल्स के ऊपर वेयर एज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो है वो अपना एफेक्ट देता है सरटोली सेल्स के ऊपर अगर फीमेल्स की बात कर लेंगे तो वहां पर ये ओवरीज हो जाएंगी ठीक है ना नाउ एक बार जब ये लेडीज सेल्स और सर्टोली सेल्स के ऊपर अपना काम करता है तो इसकी वजह से टेस्टोस्ट्यूरोन का सिक्रीशन होता है और साथ साथ में एक आ, और हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं इभिन इनहिबिन ठीक है तो इनहिबिन और टेस्टोस्ट्यूरोन का सिक्रीशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है इसी के साथ साथ अगर यही दोनों हॉर्मोन एल जो है और एफ जो है वो अगर काम कर रहा होगा फीमेल के ओवरीज के ऊपर तो वो वहां पर क्या करेगा एक तो फॉल साइकिल को करेगा और साथ साथ में के फॉर्मेशन को हेल्प करेगा और फिर LH जो है है ठीक अब जैसे ही ये लेवल एक्सेस होने लगेगा ठीक है ना तो, तो दिस विल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या करेगा इनिवेट कर देगा जीएनआरएच को एज वेल एज द एंटीरियर ग्लैंड को यहां पर भी सेम वही प्रोसेस है इनबिन का भी वही काम है ये क्या ये पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए किसका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए नाउ दिस इज द ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन इन जनरल फीडबैक इनिबिशन एल इज मोर मार्क देन द एफ एंड अ पर्टिकुलर पेप्टाइड नोन एज इनबिन इज रिलीज फ्रॉम देंड टेस्टीज विच इनिबिट द एफ एस एच बट नॉट द एल एच ठीक है तो यानी आप ध्यान रखना एफ एस एच के सिक्रीशन को इनिबिट करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है इनिबिन ठीक है ना ठीक है एल एच के सिक्रीशन को टेस्टोस्टेरॉन करेगा और कोई नहीं करेगा उसको ठीक है ना डोपामिन इज ऑल्सो इनिबिटिंग द एल एक्शन टेस्टोस्टेरॉन इज वीकर देन द एस्ट्रोजन इनिबिटिंग द जी एन सिक्रीशन बट हैव इफेक्ट ऑन बोथ एफ एस एच एज वेल एज द एल एच

मेल हाइपोग्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म के अंदर भी ये काम करता है यानी कि द मेल हु आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपोगोनेडिज्म मतलब जिनके अंदर जी का लेवल कम हो रहा होगा वहाँ पर भी ये काम करता है uh, मतलब वहाँ पर भी, भी इसको यूज़ किया जाता है जनरली वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो हम uh, यूज़ करते हैं एफ और एल का कॉम्बिनेशन ठीक है और uh, कभी कभी हम Uh, इसको uh, मतलब आप कह सकते हो कि अकेले भी यूज करके इफेक्ट uh, चेक कर सकते हैं ठीक है ना एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लें तो हाइपर स्टिमोलेशन ऑफ ओवरी देखने को मिलता है पॉलिसिस्टिक ओवरी देखने को मिलता है एब्डोमिनल पेन ओवर ओवेरियन ब्लीडिंग मल्टीपल प्रेगनेंसीज प्रिकॉकियस पबर्टी मतलब uh, मतलब टाइम से पहले पिबर्टी आ जाना ठीक है एडिमा हेडेक एंड द मूड सिंग्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व एज ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ द गड रिलीजिंग हॉर्मोन जो है मैंने पहले बता दिया दे आर इंजेक्टेड आई वी Uh, uh, for the prompt release of LH and FSH followed by the elevation of gonadal-steroidal level. Half-life 4 to 8 minute hai and pulsatile mo uh, moments mein it has been used for the testing of pituitary gonadal axis in the male as well as the female hypogonadism. Now, super active or long acting GnRH agonists are also used such as Goserelin gossaryllin and yeah, leuprolide and they are very commonly used. एंड वेरी पोर्टेंट जी एन आर एच एनालॉग्स ठीक है और इनका जो हाफ uh, लाइफ है दैट इज मोर देन सिक्स आवर्स ठीक है <coughs> नाउ नेफ्रिल की अगर हम बात कर लें तो लॉन्ग एक्टिंग जी एन आर एच एगोनिस्ट है वन फिफ्टी टाइम्स मोर पोटेंट देन द नेटिव जी एन आर एच ठीक है एंड जनरली इट इज यूज बाय द इंट्रानेजल स्प्रे ठीक है वेरी कॉमनली इट इज यूज बट इसको हम ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं बिकॉज इट कैन डिग्रेडेड ना ठीक है तो इंट्रानेसल रूट से हम लेते हैं इसको कभी कभी सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी ले सकते हैं हम डाउन रेगुलेशन ऑफ प्यूटरी वॉट इट कैन डू इट कैन डाउन रेगुलेट दिटूट्री जी एन आर एस रिसेप्टर एंड जनरली दे आर वेरी कॉमनली यूज इन द फीमेल्स हुआ सफरिंग फ्राम द फाइब्रॉयड यूट्राइन फाइब्रॉयड ठीक है उसके लिए जो डोज है वो है नेफ्रिन के टू हंड्रेड माइक्रोग्राम बी डी इंट्रानेसल

ओवेरन स्टोमुलेशन इन आई बी एफ ठीक है तो जनरली इसका यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत जो होता है आई बी एफ में एल एच का जो सर्ज होता है बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम जीएनआरएच एंटागोनीस देते हैं सच गैनरैक्सिल और सेटोरल एक्सिल ठीक है ना दे हैव अ लो रिस्क ऑफ ओवेरन हाइपर स्टोमुलेशन प्रोड्यूस्ड जी एन सपरेशन बाय कंपिटेटिव एंटागोनिज्म ठीक है यानी कि ये आ, क्या करेंगे उस रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाएंगे जिससे जी एन आर एच जाके बाइंड कर रहा था थी, ठीक है या एफ एस एच एल एच जाके बाइंड कर रहे थे और वहाँ पर बाइंड करके कम्पटेटिव एंटागोनिज्म के, के थ्रू ये उसको रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करने के बाद जो जी एन आर एच का या जो गोनेडोट्रोपिन uh, हार्मोन्स uh, का जो सिक्रीशन हो रहा था उसको क्या कर देंगे डाउनग्रेड कर देंगे तो दिस इज द वेरी कॉमन एंड वेरी बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द जी एन आर एच एंटागोनिस दीज आर द रेफरेंसेस Uh, thank you for your patience listening.